हेलो, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। कैसे हो सब लोग? ओके, हेलो चिन्मई, परफेक्ट। सो आज वी आर गोइंग टू ब्रेक द मंडन, है ना? वी आर गोइंग टू ब्रेक द मंडन। मोनोटोनस जो लाइफ है हमारी, वी आर गोइंग टू ब्रेक दैट एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टन यूनिक एनिमल्स ऑन अर्थ, राइट? तो सारे हम आज देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हेलो फाल्गुनी, है ना? थोड़ा अच्छा लगेगा, विल फील सो गुड, क्योंकि इतने दिनों से हम बस पढ़े जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ज़रूरत है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। सो वी आर गोइंग टू रिलैक्स आर माइंड टुडे विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक इन्फॉर्मेशंस, थोड़ा एक्स्ट्रा हटके इन्फॉर्मेशन, ठीक है? राइट, सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल, दैट इज नीट वॉया चैनल। ओके, हेलो नीतू, हेलो मनीषा, हेलो आलोक, ओके, नाइस टू सी यू ऑल हियर, राइट? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिक एनिमल्स ऑन अर्थ। ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत एनिमल्स पढ़ेंगे, जस्ट टू ब्रेक द मंडेन, जस्ट टू ब्रेक द मोनोटोनस लाइफ। और इतने जो हम पढ़ रहे हैं, इतने सारे नॉलेज हम एवरी डे गेन कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। आई नो दैट देर आर लॉट्स, देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट। टीचर्स को क्या करना होता है, सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ाना होता है ना? बट स्टूडेंट्स को चार अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, राइट? एक ही सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, बट आपको चार अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। आई डोंट नो दैट हाउ डिफिकल्ट योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कुड बी, राइट? तो उसी को थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आज हम थोड़ा संडे फंडे वाला गेम खेलेंगे, वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन यूनिक एनिमल्स ऑन अर्थ। सो अगेन आई वार्मली वेलकम यू टू ऑल यू आर नथिंग बट इन आवर चैनल, दैट इज नीट वॉयज, वन ऑफ द चैनल इन द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी, राइट? एंड आई एम स्वागता मुखर्जी। सब लोग ऑलरेडी जानते ही है, जो लोग यहाँ पे नए हैं, हेलो कबीर, हेलो अनमोल, हेलो मेडिको, ओके, हेलो फाल्गुनी, नाइस टू सी यू ऑल हियर, ठीक है? परफेक्ट। सो दिस इज जस्ट अ एक्स्ट्रा, थोड़ा एजुकेशनल, थोड़ा नॉलेज वाइज क्यूरोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोर्फिन्स रिलीज हो। एंडोर्फिन्स गुड हार्मोन, हैप्पी हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज हो, उसके लिए आज हम ये सेशन करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून अंशु, गुड आफ्टरनून वैष्णवी। नाउ आई एम स्वागता मुखर्जी एंड आई हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड एंड आई हैव टॉट इन मेजर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड आई हैव ऑल्सो प्रोड्यूस्ड रिजल्ट्स in AFMC, in ICER Pune, and also major MBBS colleges of India. I have also worked as a GRF. I have done research for a bit in IISc Bangalore. Then I joined an academy here to teach you all, to guide you all. Perfect. Hello Abhishek, I'm good. I hope you are doing well too. Hello Simpy, nice to see you all here. तो जैसे कि आपको पता है कि अन अकेडमी में हमारा स्पेशल क्लास चल रहा है, वहाँ प्लस कोर्सेज भी चलते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी भी आपके पसंदीदार एजुकेटर से अगर पढ़ना है, आप सिंपली इस पर्टिकुलर जो ये ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों करना है, जैसे कि मैंने बोला, वहाँ इंट्रैक्शन ज़्यादा बेटर होता है एजुकेटर के साथ, वहाँ लाइव क्लासेस चलती है, राइट? आप लोगों ने मेरे भी लाइव क्लासेस वहाँ पे अटेंड किए होंगे, राइट? लाइव पोल्स होता है, जो आज मैं करने वाली हूँ आपका 5 बजे, आपको पता है आपका डाउट क्लास है आज, है ना? डाउट क्लास है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पे, प्लस मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको दूंगी, है ना? टेस्ट सीरीज होते हैं बेटा वहाँ पे, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, या एक चैप्टर पे टेस्ट हो सकता है, जिसको देने के बाद आप अपना परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, राइट? ओके, हेलो कबीर, नाइस टू सी यू ऑल हियर, ठीक है बेटा? फाल्गुनी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेंटी कल होगा आपका, 5 बजे होने वाला है, ठीक है? ओके, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जो सबसे बेस्ट फीचर है अन अकेडमी का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपका लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन लेने वाली हूँ, ठीक है? ओके, ये हमारे कुछ बेस्ट एजुकेटर्स हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के। और अन अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप बस गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप अन अकेडमी लर्निंग ऐप, उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट? वन इज योर प्लस हियर, देन फ्री कोर्सेज, देन स्पेशल क्लासेस। फ्री कोर्सेज एंड स्पेशल क्लासेस, ये दोनों बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना? जस्ट जो कि हम लोग अभी आज मैं जो आपका स्पेशल क्लास ही लूंगी, बट उसमें डाउट क्लास होगा आपका। प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है आपका, राइट? तो प्लस में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जस्ट टाइप और यू नो क्लिक ऑन नीट यूजी, देन गेट द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जैसे आप, ये एक पेज आपके पास ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप इस साल के लिए अपियर होने वाले हो, तो इन तीनों में से कोई एक आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक प्लान, है ना? और अगर आप 12th में हो या फिर आप रिपीट कर रहे हो एक साल, तो ये 1 ईयर वाला आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, दैट इज़ नथिंग बट योर 2500 पर मंथ। अगर आप 11th में हो और आप 2 साल बाद नीट के लिए अपियर करने वाले हो, तो आप 24 मंथ वाला ले सकते हो, विच इज़ अराउंड 75% ऑफ हो जाएगा एंड इट विल बी जस्ट 1500 पर मंथ। तो देखो टोटल कितना होता है, लाइक 24 मंथ का अगर आप लोगे, तो दैट वुड बी ओनली 32,400। इससे भी, इसमें भी 10% आपका ऑफ हो जाएगा, अगर आपने जो मेरा नाम है SWAGATA स्वागत, इसको एज अ कोड अगर आपने अप्लाई किया, यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ।
आपको पता है कि हम टेलीग्राम ऐप में भी हैं, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप इस टेलीग्राम लिंक को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप में जाके, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको नोटिफिकेशंस वहाँ पे मिलती रहेंगी। राइट, परफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक टुडे, जैसे कि आपको पता है कि आज हम लोग एक एजुकेशनल नॉलेज बेसिस पे एक मैं यहाँ पे सेशन करने वाली हूँ, जो ऑब्वियसली आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा फन है ना। तो पहला जो एनिमल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर वेनेजुएलन पूडल मॉथ। राइट, वेनेजुएलन पूडल मॉथ, ये है क्या? ऑब्वियसली इट्स एन इंसेक्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूनिक एनिमल्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन होगा, है ना। राइट, आपको एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए, जिस अर्थ पे हम रहते हैं वहाँ पे वो भी रहते हैं। राइट, वो उनकी भी, उनका भी घर है, तो हमें थोड़ा उनका ध्यान भी देना है। तो मैंने बेसिकली कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज को ही यहाँ पे लिया हुआ है, प्लस वो लोग बहुत यूनिक है, तो उसकी यूनिक जो यूनिकनेस है वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परफेक्ट गाइस, तो शुरू करते हैं फिर, है ना। फाइन, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है वेनेजुएलन पूडल मॉथ। राइट, सो ये वेनेजुएलन पूडल मॉथ क्या है? वेनेजुएला में मिलता है ऑब्वियसली। ठीक है, वेनेजुएला में ये मिलता है, परफेक्ट। नाउ ये बिलो, इसका कोई साइंटिफिक नेम नहीं है बेटा। ठीक है, इसको सिर्फ एक जीनस से हम जानते हैं। हमें पता है कि व्हेनेवर वी राइट अ साइंटिफिक नेम, है ना, जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जीनस नेम लिखते हैं, प्लस उसकी स्पीशीज नेम लिखते हैं। राइट, तो तभी जाके आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है एक साइंटिफिक नेम। आपने टैक्सोनॉमिक पोजिशन में पढ़ा होगा, इसका कोई स्पीशीज नेम नहीं है, इसका एक जीनस नेम है जिसका नाम है आर्टिस, एंड इट बिलोंग्स टू लैसियो कैम्पिडी फैमिली। ठीक है, लैसियो कैम्पिडी फैमिली को यह बिलोंग करता है। फैमिली के पहले क्या आता है? आपका ऑर्डर आता है। राइट, उसके पहले आपकी क्या आती है? क्लास, देन वी हैव फाइलम। तो ये कौन से फाइलम को बिलोंग करेगी? हम सबको पता है बीइंग अ मॉथ, ये किसको बिलोंग करेगी? आर्थ्रोपोडा को, है ना, ये आर्थ्रोपोड है। ठीक है, तो ये एक आर्थ्रोपोड है। ठीक है बेटा, परफेक्ट। हेलो फारदीन, ओके, हेलो अनमोल, यस, ये और भी ब्यूटीफुल है, मेरे पास इसकी कुछ एनिमेशन भी है, वो भी मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी। राइट, सो एज आई वॉज सेइंग दैट दिस इज एन आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपॉड फाइलम को बिलोंग करता है। राइट, और क्लास क्या है? क्लासेस इंसेक्टा, ये इंसेक्टा के अंदर आता है। कभी कभी हम इस पर्टिकुलर मॉथ को देख के वी गेट कंफ्यूज्ड, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें ये लगता है कि हो सकता है ये आपका वो सिल्क वर्म है, बॉम्बिक्स मोरी से ये थोड़ा बहुत मैच करता है। राइट, तो इसको पूडल मॉथ क्यों बोलते हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि इसका थोड़ा सा, इट लुक्स लाइक अ पूडल, पूडल इज अ डॉग, है ना, जो थोड़ा सा यू नो व्हाट यू से, बहुत डेकोरेटिव डॉग है, है ना, तो इट लुक्स लाइक अ पूडल, दैट्स व्हाई इसको पूडल मॉथ बोला जाता है। कभी कभी वी गेट कंफ्यूज एज आई वाज सेइंग बॉम्बिक्स मोरी से। बॉम्बिक्स मोरी बेटा क्या है आपका? बॉम्बिक्स मोरी जो है दैट इज नथिंग बट द साइंटिफिक नेम ऑफ योर सिल्क मॉथ। राइट, सिल्क मॉथ, सो आई जस्ट राइट इट हियर, सो बॉम्बिक्स मोरी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्क मॉथ। तो ये सिल्क मॉथ से हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसकी स्पीशीज, इसकी, इसका जीनस कंप्लीटली डिफरेंट है बॉम्बिक्स से। बॉम्बिक्स ऑब्वियसली बिलोंग टू बॉम्बिक्स जीनस, और इसका जीनस क्या है? एज आई जस्ट टोल्ड यू, आर्टिस। राइट, ओके, अब ये एडल्ट मॉथ इज एन एडल्ट, लार्वा उसका क्या है? जुवेनाइल फॉर्म है, है ना, तभी तो हम उसको लार्वा बोलते हैं। एक इसका जो लार्वा है वो भी बहुत ब्यूटीफुल होता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लार्वा चलते हुए, कैन यू सी द लार्वा मूविंग हियर? राइट, सो इट लुक्स लाइक क्रिस्टल, ऐसे लग रहा है कि वो अपने पीठ पे डायमंड लेके जा रहा है ना, डायमंड लेके जा रहा है। राइट, ओके, हेलो ऋतिक, परफेक्ट, ओके, ना तो डायमंड लेके जा रहा है, इसलिए समटाइम्स द लार्वा इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लार्वा, इसको कभी कभी हम क्रिस्टल लार्वा भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसके अलावा इसका जो एडल्ट फॉर्म है, सो दिस इज नथिंग बट द लार्वल फॉर्म जो मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, लार्वल फॉर्म है ये, और ये जो एडल्ट है, एडल्ट भी बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज्यादा पेपरी, पेपरी मतलब, या फिर उसका जो बॉडी है, इट लुक्स व्हाट यू से काइंड ऑफ यू नो कुछ डस्ट टाइप ऑफ होता है उनके ऊपर, सो इट लुक्स लाइक अ पेपरी मॉथ। ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल। नाउ सो दिस इज नथिंग बट अबाउट योर वेनेजुएलन पूडल मॉथ, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये मिलता कहाँ पे है, इसकी हैबिटेट कहाँ पे है? इसकी हैबिटेट है आपका नथिंग बट, इट इज फाउंड इन नथिंग बट द ग्रैंड सबाना, ग्रैंड सबाना रीजन ऑफ वेनेजुएला। ओके, वेनेजुएला के ग्रैंड सबाना रीजन में ये ज्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफिकेशन, कभी कभी इस पर्टिकुलर मॉथ को ना एज अ पेट भी यूज किया जाता है, वी यूज इट एज अ पेट समटाइम्स। ठीक है, लेकिन जो लोग इसको पेट रखते हैं वो उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं, है ना, उसका ध्यान नहीं रख पाते, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, ये जल्दी मर जाते हैं,
है ना, कभी कभी बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये कितना सुंदर है, इसको थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट है, छू के देखते हैं, मार देते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली आज का जो भी है, हम यहाँ पे सारे बातें, नो द नॉट ह्यूमन क्लोथ्स, ऑल मॉथ्स आर नॉट फाउंड इन ह्यूमन क्लोथ्स, दे आर वेरी मच फाउंड इन द फॉरेस्ट। ओके, परफेक्ट। सो ये आपका पहला वाला एनिमल था। दूसरे जितने आगे बढ़ते जाएंगे और इंटरेस्टिंग एनिमल्स हमें दिखता जाएगा। सो शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनिमल? कैसा लग रहा है सबको? हेलो स्पेक, हेलो फारदीन, ओके। यू आर वर्मीफोबिक? क्यों वर्मीफोबिक क्यों? इतने छोटे से तो कीड़े होते हैं, डरने की क्या बात है उनसे, है ना, वो कुछ नहीं करेगा। हाँ वैसे मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे भी डर लगता है लिजार्ड से, आई एम सो स्केयर ऑफ लिजार्ड, बट या बाकी रेप्टाइल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे लाइक यू नो स्नेक एंड एवरीथिंग, आई लव देम, है ना, आई कैन इवन पेट देम, आई हैव पेट अ पाइथन वंस लॉन्ग बैक, ठीक है। तो ये सबसे मुझे बस ये लिजार्ड, आई हैव ओफियोफोबिया, ओफियोफोबिया या सोरोफोबिया जो होता है वो स्पेशली आपके लिजार्ड से डर लगने वाले को बोलते हैं, ठीक है, परफेक्ट राइट। सो वो ऑब्वियसली सबको कुछ ना कुछ फोबिया होता है, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स क्वाइट नेचुरल। सो शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट? नेक्स्ट जो आपका एनिमल है दैट इज अ ब्लॉबफिश, राइट, इसको हम बोलते हैं ब्लॉबफिश। तो ये ब्लॉबफिश, इसका नाम इसकी स्ट्रक्चर की वजह से है। कैन यू सी, इट लुक्स लाइक एज इफ एक ह्यूमन का फेस मेल्ट हो रहा है ना, ऐसा नहीं दिख रहा है ये, ठीक है, ह्यूमन का फेस मेल्ट हो रहा है आपका, राइट, बट ये कोई ह्यूमन फेस नहीं है, बिल्कुल एक फिश है, और ये फिश एक बोनी फिश ही है, राइट, लेकिन उसके बॉडी में बोन्स बहुत ही कम होते हैं और मसल तो है ही नहीं, ठीक है। सो दीज फिशेस, एज आई सेड, दे लैक मसल्स, ठीक है, दे लैक मसल्स, ओके। और ये मिलता कहाँ पे है? दे आर फाउंड इन डीप सी ओशन, है ना, डीप ओशन में मिलता है, ठीक है। सो एज आई सेड दैट दे आर फाउंड इन डीप सी लेवल, ठीक है, डीप सी लेवल में मिलता है, जहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। The pressure is too much there. Okay, पहली बात देखा, ये तो बहुत famous है, I think ये आपका what I was saying. हाँ जी फाल्गुनी, आपको डर लगता है lizard से? मुझे भी लगता है, I have lots of stories जिसमें मुझे एक lizard ने इतना इतना डराया, बहुत बार बचपन से मेरे ही पीछे lizard पड़े रहते हैं हमेशा, मैं कितना भी avoid करने की कोशिश करूँ लेकिन वो तब भी मेरे घर पे अंदर घुस जाती है, I don't know कैसे, मेरे मम्मी पापा like everybody gets, you know, सब लोग परेशान रहते हैं कि यार इसको पसंद नहीं है तब भी ये लोग आ रहे हैं, वो उनको मैं भगाती हूँ कि इनको भगाओ इसको भगाओ, होता है ऐसा, ठीक है, सबको थोड़ा ना थोड़ा डर लगता ही है हमें, ठीक है। आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज, कभी मैं शेयर करूंगी आपको मेरे लिजार्ड वाली स्टोरी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट ब्लॉबफिश। सो एज आई वाज सेइंग कि ये जो ब्लॉबफिश है, ये एक्चुअली में जब ये डीप सी में मिलता है ना, ये ऐसा नहीं दिखता, ये मेल्ट हो रहा होने वाला ऐसा नहीं दिखता है, राइट, ये नॉर्मल सा फिश जैसा ही दिखता है ये बोनी फिश है, ठीक है, ये बिलोंग्स टू ऑस्टिक थाइस ओनली, हमें सबको पता है ऑस्टिक थाइस इज अ नथिंग बट अ क्लास अंडर सुपर क्लास स्पाइसीज, मतलब बोनी फिशेस, ये बोनी फिश है बट इसमें बोन्स बहुत ही कम है, मसल्स तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका, एज आई वाज सेइंग, क्योंकि आपके डीप सी ओशन में मिलता है जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो जब भी फिशरमैन इसको कैच करके ऊपर की तरफ लाते हैं, है ना, जब उसको ऊपर, ये देखो एक इंसान के हाथ में भी ये ब्लॉब फिश है, कैन यू सी द ब्लॉब फिश एज इफ इट इज मेल्टिंग, ऊपर की तरफ लाते हैं सरफेस में फिशरमैन उसको कैच करके, तो सडनली इतना ड्रॉप हो जाता है ना प्रेशर कि उसका पूरा जेलेटिनस मास धीरे धीरे ऐसे ऐसे मेल्टेड टाइप ऑफ दिखता है, राइट। तो देखो एक्चुअली सी के नीचे ये ऐसा दिखता है, कैन यू सी दिस, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ ये ऐसा दिखता है सी के नीचे, जैसे हम ऊपर लाता है आफ्टर एक्सट्रीम टिश्यू डैमेज फ्रॉम बीइंग पुल्ड अप रैपिडली बाय अ फिशर, दिख रहे हो कितना डिफरेंस है इसमें, ओके, तुम्हें सबसे डर लगता है सौम्या, ओके, हाँ जी, ओके परफेक्ट, हाँ बिल्कुल खाते हैं बेटा इसको, बिल्कुल खाते हैं ब्लॉक, एक्चुअली हम इंसान ऐसे है ना कि हम लोग किसी को छोड़ते नहीं है, हम खुद डोमिनेंट है और हम लोगों पे और जानवरों पे और अत्याचार करते हैं, नॉर्मल छोटा मोटा डाइट इज फाइन बट किसी को भी क्यों खा लेना है ये मुझे समझ में नहीं आता है, पीपल दे ईट शार्क, दे ईट इवन, ये भी आपकी एंडेंजर्ड है ना ड्यू टू द डेलिकेसी, ये खुद बेचारा किसको खाता है, ये स्मॉल क्रस्टेशियन वगैरह को खाता है ना, क्रस्टेशियंस क्या होते हैं आपके, प्रॉन्स क्रैब्स ये सब, ठीक है। सो एज आई वॉज सेइंग ये जो आपका ब्लॉब फिश है इसका एक जेलेटिनस मास है, ठीक है, सो इट्स बॉडी जो है, द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ए जेलेटिनस मास, जेलेटिनस मतलब क्या होता है, जेली लाइक होता है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी, बॉडी की जो ये जेलेटिनस मास की डेंसिटी जो है, इट इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, वाटर से भी इसकी कम डेंसिटी होती है, ठीक है।
एज अ रिजल्ट ऑफ विच तब तक ये वाटर में रहता है तब तक इसकी प्रॉपर आपको ऐसी वाली स्ट्रक्चर दिखेगी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है 3000 प्लस फिट बिलो द सी लेवल, एकदम डीप सी में रहते हैं जहाँ पे यूजुअली ऑक्सीजन और लाइट तो पहुँचता ही नहीं है। बट जैसे ही फिशरमैन इसको ऊपर लाता है तुरंत प्रेशर चेंज हो जाता है, डीप सी पे जितना प्रेशर है ऊपर उतना प्रेशर नहीं है, तुरंत इसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, ठीक है, एंड इट लुक्स लाइक एज इफ उसका पूरा बॉडी मेल्ट हो रहा है, एंड इट लुक्स लाइक अ सैड फेस, है ना, सैड फेस दिखता है उसमें, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट वंडरफुल नाउ, या इट लुक्स लाइक अ ह्यूमन फेस मेल्टिंग, दैट्स व्हाट आई टोल्ड, ठीक है। तो ब्लॉब फिश देखा, मजा आया देख के ब्लॉब फिश, ठीक है, बट बेचारे इनको भी एज अ डेलिकेसी समटाइम्स वी यूज इट, लोग खाते हैं, है ना, ऑब्वियसली ये मिलता कहाँ पे, ये आपके लाइक यू नो कोस्टल एरिया, कोस्टल वाटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया फिर योर न्यूजीलैंड, है ना, तो न्यूजीलैंड वगैरह में एज अ डेलिकेसी भी ये यूज़ होता है ना, न्यूजीलैंड और कहाँ पे आपके टैस्मेनिया, ठीक है, ये वाले एरियाज के कोस्टल एरियाज में, ऑब्वियसली उनके कोस्टल एरियाज में जो सी है वहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो जब ऊपर लाते तब वो डेड, नहीं ऑब्वियसली कोई भी फिश को आप ऊपर लाओगे तो वो तो मरेगा ही ना, फिश है बेचारा यार, वो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं करता है, वो वाटर ऑक्सीजन को ब्रीथ करता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स, किसी भी आप एक्वेटिक एनिमल्स को जो गिल्स के थ्रू रेस्पायर कर रहा है उसको ऊपर लाओगे तो वो मर ही जाएगा ना कुछ देर में, आपको अगर हमने वाटर में हमने अगर सपोज मैं वाटर के अंदर चली गई है ना तो ऑब्वियसली मैं भी वहाँ पे सांस नहीं ले पाऊंगी तो मैं भी मर जाऊंगी, तो सारे फिश का वही होता है, बस डिफरेंस क्या है कि ऐसे तुरंत जब हम लाते हैं वो ऐसे जिलेटिनस मास की तरह दिखता है क्योंकि उसकी एक्सट्रीम टिश्यू डैमेज होने लगती है, डीजनरेट होने लगती है, ठीक है, तो कुछ देर के बाद ऑब्वियसली वो भी मर जाएगा क्योंकि उसको एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से सांस लेना नहीं आता है, ठीक है, परफेक्ट वंडरफुल, सो शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनिमल, दूसरा एनिमल देखें, हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर चेंज होगा तो थोड़ी देर के बाद वो थोड़ी देर तक ऐसे दिखता है फिर वो मर जाता है, कुछ मिनटों में वो मर जाएगा, ऑब्वियसली मर जाएगा, जैसे सारी फिश, आप किसी जिंदा फिश को उठाओ थोड़ी देर वो तड़पेगी फिर वो मर ही जाएगी, है ना, एक्सेप्ट जो फिश के पास एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके पास होता है, देयर इज अ फिश विच इज कॉल्ड एज नथिंग बट योर, आई विल राइट इट हियर, विच इज कॉल्ड एज पर्च, है ना, पर्च, इसका साइंटिफिक नेम है एनबस, एक ठीक है एक एनिबस, ये ब्लॉब फिश के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, ये दूसरा एक फिश है, इस फिश के पास ना एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ना, दिस फिश इज ऑल्सो यूज फॉर यू नो एज अ डेलिकेसी, दे आर फाउंड यू नो नॉर्मल पॉन्ड्स, ये फ्रेश वाटर फिश है आपका, ये जो पर्च है ना इट्स अ फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, तो यूजली लोग खाते हैं, है ना, लाइक लोग आपके बंगाल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो इस फिश को जब तक ये कढ़ाई में नहीं डालते ना तब तक ये तरप तब तक ये जिंदा रहती है, फिश को फ्राई कर रहे होते तब भी ऐसे ऐसे तड़पती है ना, मतलब तब भी वो जिंदा है, उसको बहुत देर तक बाहर रख दो तब भी वो जिंदा है क्योंकि उसके पास एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो एज अ लंग वर्क कर रहा है, एज अ लंग वो फंक्शन करता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं उसमें एयर स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे लंग फिशेस नहीं होती है, वी नो अबाउट लंग फिशेस, है ना, तीन स्पीशीज ही है पूरे दुनिया में लंग फिश का, ठीक है, एक आपका मिलता है ऑस्ट्रेलिया में नियोसेराटोडस जिसको बोलते हैं, एक आपका मिलता है लेपिडोसायरन साउथ अमेरिका में, एक आपका अफ्रीका में मिलता है प्रोटोप्टेरस, ये तीन ही बस लंग फिशेस है पूरे दुनिया में स्पीशीज है, तो ये लंग फिशेस को हम लंग फिश क्यों बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास भी एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो गिल्स के सिवाय उनके पास लंग्स भी होते हैं तो वो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन में भी रेस्पायर कर सकते हैं, तभी तो जब ड्राउट आता है ना सूखा आता है, मेरे पास उसका पिक्चर नहीं है मैंने लिया नहीं था मैं समझा देती हूँ, जब ड्राउट आता है ना सूखा पड़ता है ना तो वो लोग बहुत देर तक वो लोग क्या करते हैं मड के अंदर घुस के वहीं पर बैठे रहते हैं पूरे ड्राउट सीजन तक, और वो मरते नहीं है वो जिंदा रहते हैं, वो हाइबरनेट कर जाते हैं उस टाइम पे, है ना, और सॉरी एस्टिवेशन होता है समर स्लीप होता है, तो उसके बाद जब फिर से यू नो रेनी सीजन आता है फिर से वो मड धीरे धीरे पूल आपका पॉन्ड भर जाता है तो फिर से वो सांस लेना शुरू कर देते हैं, तो वो ऐसे जिंदा रहते हैं, ये एनिबिस का भी यही है, इसको आई मीन इन बंगाली आई थिंक दिस इज कॉल्ड एज कोई माच और समथिंग लाइक दैट, सो दिस फिश जब तक इसको हम कढ़ाई भी नहीं डालते ना तब तक ये जिंदा रहता है, ठीक है, नेक्स्ट में मूव करें, ओके हेलो केवल, ओके परफेक्ट, हेलो नफीसा, हाँ जी नहीं ये लंग फिश नहीं है बेटा, पर्च भी लंग फिश नहीं है, वो आप लंग फिश से वो तीन है जिनका मैंने आपको नाम बताया, ओके सो शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, हाँ जी केक में मिलता है, क्या मिलता है बेटा ऋतिक केक में, मुझे समझ में नहीं आया, चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले में, तो नेक्स्ट वाला जो हमारा बहुत ही प्यारा सा यूनिक ऑर्गेनिज्म है उसका है नथिंग बट दिस क्यूट वाला वाइट बैट, वी कॉल इट एज होंड्यूरन वाइट बैट, ठीक है, होंड्यूरन क्या है, होंड्यूरन की बोलते क्योंकि ये होंडुरस में मिलता है,
होंडुरस एक जगह है बेटा आपके कोस्टा रिका में, है ना। होंडुरस इज अ प्लेस इन कोस्टा रिका। कोस्टा रिका कहाँ पे आपका? सेंट्रल अमेरिका में है, ठीक है। कोस्टा रिका जो आपकी सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है ना, सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है ये, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये छोटे से बैट्स दिखते हैं, बहुत क्यूट से बैट होते हैं, है ना। खतरनाक नहीं होते हैं ये, दे आर फ्रुगिवोरस, ये फ्रूट्स खाते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है उसका? एक्टोफाइला एल्बा। एक्टोफाइला एल्बा क्यों बोलते हैं? जैसा कि आपको ये, हाँ जी बहुत छोटे हैं, बिल्कुल, हाँ जी मैम क्या बोल रहे हो आप, लंग्स होते हैं तो ये पानी के बाहर जिंदा रह सकते हैं। हाँ जी वही तो मैंने बोला अभी लंग फिशेस के बारे में कि कैसे जिंदा रहते हैं, वही तो मैं समझा रही थी आपको, ठीक है। तो चलो इस बैट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये देखो कितना क्यूट सा दिख रहा है ना, छोटा सा, एक्चुअली इतना छोटा, देखो एक फिंगर में आप पकड़ सकते हो इसको। और इसकी जो आप, कैन यू सी द नोज एंड द ईयर, इट लुक्स लाइक अ पेटल ऑफ अ फ्लावर, है ना, आपके फूल की जो पत्तियां नहीं होती है उसकी तरह दिखती है ये, ठीक है। तो ये एक्चुअली नॉकटर्नल है, सो दीज आर ऑल नॉकटर्नल, मतलब दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है? दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ओके परफेक्ट वंडरफुल, हाँ जी नहीं ये फ्रूट्स खाते हैं बिल्कुल, हाँ एज आई सेड दैट दे आर फ्रुगिवोरस। ओके फ्रुगिवोरस का मतलब होता है जो फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, इस होंडुरस कोस्टारिका के जंगलों में ये मिलते हैं, और वहाँ पे पत्तों, जो पत्तों के वेन्स नहीं होते, जो बीच में एक मिडरिब होता है, आपने बॉडी में पढ़ा होगा, फिर दो पत्ते होते हैं, उनको वो ऐसे एक नेट जैसा बनाते हैं, नेस्ट जैसा बनाते हैं, और नेस्ट के अंदर वो ऐसे रहते हैं सारे के सारे एक साथ। तो इट लुक्स लाइक एज इफ दे आर स्मॉल पपीज, बट दे आर नॉट, दे आर एडल्ट, सारे के सारे एडल्ट है, ठीक है परफेक्ट, नो कोई बात नहीं अभी ना, इट्स ओके। चलो तो ये देखो ऐसे ऑब्वियसली व्हेन दे फ्लाई दे लुक लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली नॉकटर्नल है, तो यहाँ पे उसकी नॉकटर्नल हैबिटेट भी दिख रही होगी, है ना। डे के टाइम पे वो, डे के टाइम पे क्या करते हैं, वो नेस्ट के अंदर रहती है। नेस्ट वो किससे बनाते हैं? पत्तों के, लाइक यू नो जो लीव्स होते हैं, लीव्स के दोनों साइड का जो वेन है ना, उस पार्ट को लेके नेस्ट बनाते हैं, इसलिए इसको एक्टोफाइला बोलते हैं, ठीक है। ओके परफेक्ट, हाँ जी हाँ, शिप की तरह उल्टा करके उसी में वो रहते हैं, है ना। वी ऑल नो कि वो अपसाइड डाउन बैट हैंग करती है, तो इस नेस्ट के अंदर वो ऐसे रहती है, ठीक है। हाँ जी नहीं नहीं यही तो प्रॉब्लम है ना, फारदीन हम लोग जब भी कुछ क्यूट एनिमल देखते हैं, हमें लगता है यार इसको मैं पेट बना लेती हूँ, चलो बना लेता हूँ, या हम जब लेके आते फिर हम उसका ध्यान नहीं रख पाते। जैसे हमने, अगर हमने इस पोर क्रीचर को लाया अपने घर पे, तो हमने इसकी नेचुरल हैबिटेट इससे छीन ली ना, वो ऑब्वियसली वो बोल नहीं पाएगा, दुखी तो होगा। सब लोग इतने, लाइक ऑल एनिमल्स आर नॉट दैट डोमेस्टिक एज दैट ऑफ डॉग्स, है ना। डॉग्स और कैट्स जैसा उतने डोमेस्टिक वो नहीं होते हैं, ठीक है परफेक्ट। ओके हेलो हनी, नो प्रॉब्लम फारदीन, इट्स आई नो अनफॉर्चुनेट है, बट हमें इसके नेचुरल हैबिटेट से किसी भी एनिमल को निकालना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट एनिमल के बारे में बताऊं मैं, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एनिमल। ये आपका होंडुरन व्हाइट बैट था जो मैंने आपको अभी बताया, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज डम्बो ऑक्टोपस। ओके आपने सबने एक मूवी तो देखी होगी ना डिज्नी का, अभी कुछ दिन, कुछ साल पहले एक मूवी आई थी डिज्नी का, एंड उससे पहले उसका एनिमेटेड फॉर्म पहले से ही था, डम्बो, डम्बो बोल के एक मूवी आई थी। डम्बो इज नथिंग बट एन एलिफेंट, एक एलिफेंट था उस डिज्नी वाले मूवी में। उसमें उस एलिफेंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था कि उसके कान उसके बॉडी से बहुत ज्यादा बड़े थे, तो दैट एलिफेंट कुड फ्लाई, वो उड़ सकता था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डम्बो का मैंने एक पिक्चर लिया हुआ है, कैन यू सी दिस पिक्चर, यही उस पर्टिकुलर मूवी का पूरा पोस्टर था, है ना डिज्नी में, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही। ओके सो आई माई सेल्फ आई डू लाइक एनिमेटेड मूवीज अ लॉट, ठीक है। तो मैं, मुझे पसंद है इसलिए यूनिक एनिमल्स एंड ऑल दिस थिंग। सो दिस ऑक्टोपस हियर, ये जो ऑक्टोपस है, इट लुक्स लाइक उसकी जो ईयर है ना, वो आपके डम्बो की तरह दिखती है। तो इस डम्बो को, यू नो, उनको सर्कस में भी यूज किया गया था डम्बो को एंड ऑल, बट लास्ट में वो फिर उड़ के भाग जाता है, दो बच्चे उसको हेल्प करते हैं ना, आपने देखा होगा ये मूवी। चल तो ये जो डम्बो है आपका, जो डम्बो, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रिम पोटेयूथिस अम्बिलेटा। ओके ग्रिम पोटेयूथिस अम्बिलेटा। अम्बिलेटा क्यों बोल रहे? बिकॉज इट लुक्स लाइक एन अम्ब्रेला, इसका शेप देखो अम्ब्रेला जैसा है, ठीक है। हाँ हाँ थोड़ा बहुत पिकाचू जैसा भी दिखता है यार, राइट, ठीक है। तो ये उसकी एक्चुअल बॉडी शेप है, और ये बिलोंग किसको करता है? क्योंकि ये ऑक्टोपस है तो ऑब्वियसली किसको बिलोंग करता है? बिलोंग करता है आपके मोलस्का को, है ना। कौन सा फाइला? मोलस्का, है ना। ओके मोलस्का में भी अलग अलग क्लासेस होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मोलस्का में स्नेल्स भी आते हैं, ऑक्टोपस भी आते हैं, तो ये उसी ऑर्डर और उसी क्लास को बिलोंग करते हैं जिस क्लास में आपका ऑक्टोपस है। कौन सा है? ऑब्वियसली दैट इज नथिंग बट सेफालोपोडा, सो इट बिलोंग्स टू सेफालोपोडा, ठीक है। क्योंकि इनकी जो लेग्स है, इट अराइजेस फ्रॉम द हेड, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है हेड और लेग का, ठीक है। ओके और उसकी कान, एज यू कैन सी द ईयर लुक्स लाइक दैट ऑफ द डम्बो एलिफेंट, ठीक है। ओके
हाँ जी यस यस करेक्ट एट आर्म्स होते हैं उनके करेक्ट राइट नाउ एज आई वॉज सेइंग ये जो मोस्ट ऑफ द एनिमल विच बिलोंग्स टू सेफालोपोडा आपको पता है कि उनके पास ना एक इंक सैक होती है ना जैसे आपका सेपिया वगैरह जो होता है स्क्विड वो इंक को इंक रिलीज करते हैं ऑक्टोपस के पास भी वो होता है ठीक है तो एक ही डिफरेंस है कि ये जो डम्बो छोटा सा बेबी वाला ऑक्टोपस है ना इसके पास कोई इंक सैक नहीं होता है इंक सैक का मतलब क्या होता है क्यों चाहिए होता है इंक सैक को जब भी व्हेनेवर अ स्क्विड और अ ऑक्टोपस फील थ्रेटेंड बाय अ प्रेडेटर जब भी उसको उनको उनके सामने कोई प्रेडेटर आ जाता है तो प्रेडेटर से एस्केप करने के लिए वो वाला जो इंक है उसको वो रिलीज कर देते हैं ठीक है कहाँ ऑब्वियसली वाटर में तो वो इंक जैसे ही वाटर में आई तो वो वाटर को थोड़ा क्लाउडी बना देता है ठीक है इससे क्या होता है विजन ऑब्स्क्योर हो जाता है प्रेडेटर का जो उसको खाने आया है उसको आगे कुछ दिखता नहीं थोड़ा सा फॉगी फॉगी हो जाता है तो उसको गुड चांस मिलता है टू रन अवे तो वो जल्दी जल्दी भाग जाता है ठीक है ओके तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसके पास दे यूजुअली लैक इंक सैक ठीक है इंक सैक इसमें नहीं होता है प्रेजेंट बट लेकिन ये अपना कलर चेंज कर सकता है जैसे कि सारे ऑक्टोपस वगैरह में हमने देखा है दे कैन कैमोफ्लाज बेटर सो दे कैन कैमोफ्लाज एज वेल कैसे कैमोफ्लाज करते हैं वो जो भी उन जिस भी एरिया के वाटर एरिया में वो प्रेजेंट है जो भी कलर है उस वाटर का या फिर आसपास जो भी सपोज कोई कोरल रीफ है या जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज कर सकती है कैसे उनके बॉडी में उनके यू नो बॉडी या फिर वी कैन बेटर से स्किन है ना स्किन में देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटोफोर क्रोमैटोफोर होता है ऐसे बहुत सारे एनिमल शो करते हैं कैमोफ्लेज है ना तो ये आपके नॉर्मल ऑक्टोपस वगैरह भी करते हैं क्रोमैटोफोर का मतलब क्या होता है दीज आर पिगमेंट सेल्स और इस पिगमेंट सेल को स्टिम्यूलेट करते हैं किसी भी वजह से और उसकी वजह से वो चेंज हो जाता है कलर जैसे कि आपने क्या हैव यू एवर सीन अ सी अर्चिन देखा इकाइनोडर्म होता है ना सी अर्चिन जो होता है ना ऐसे ग्लोब शेप होता है उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं सी अर्चिन एक होता है जैसे इट इज एक्सपोज टू सनलाइट वो सनलाइट में जैसे एक्सपोज होता है ना उसका नॉर्मल कलर इज नथिंग बट यूजुअली ब्लैक कलर इट कैन इमीडिएटली विद इन सेकेंड फाइव एक्चुअली विद इन ऑलमोस्ट अराउंड 50 सेकेंड्स में वो अपना पूरा कलर ग्रेश कर चेंज कर सकती है स्टिम्यूली किसने दिया सनलाइट ने दिया ठीक है परफेक्ट ओके वंडरफुल यस हाँ जी ये रहती कि दिस वॉज नथिंग बट अ मूवी डम्बो इसीलिए डम्बो से इंस्पायर्ड है ये बिकॉज इसका जो ईयर है वो डम्बो की तरह दिखता है इसीलिए इसको हम लोग डम्बो ऑक्टोपस बोलते हैं साइंटिफिक नेम मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया था ओके ग्रिम पोट्यूथिस अम्बेलेटा ओके ओके फाइन शुड बी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं चलो नेक्स्ट एनिमल देखते हैं क्या है चलो नेक्स्ट एनिमल एक बहुत ही बेचारा सा एनिमल है क्योंकि दिस पैंगोलिन इज द मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल ऑन अर्थ इसकी सबसे ज़्यादा एनिमल ट्रैफिकिंग होती है क्यों एनिमल ट्रैफिकिंग जब भी होता है मतलब कुछ ना कुछ इम्बेनिफिशियल है ह्यूमन के लिए क्योंकि हम ह्यूमन वी आर वेरी यू नो सेल्फिश हम तभी किसी एनिमल को ट्रैफिक करते जब हमें उससे कोई इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल इकोनॉमिक फ़ायदा होता है इससे क्या इनकी जो स्केल्स है ना इट इज़ कम्पोज ऑफ केराटिन और ये स्केल्स बहुत महंगी होती है पीपल कैन यूज़ इट फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस उसके अलावा इसकी जो मीट है इसके मीट को भी खाया जाता है सो इट्स अ वेरी फेमस क्विजीन इन एशियन कंट्रीज लाइक चाइना एंड ऑल दीज कंट्रीज यहाँ पे ये मेन क्विजीन है ठीक है तो ये पैंगोलिन है क्या ये कोई आर्थ्रोपॉड है या क्या है ये लिजार्ड है मतलब लाइक कोई रेप्टाइल है नहीं ये है आपका मैमल सो पैंगोलिन्स दे बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में कौन से क्लास को ये बिलोंग करता है इट बिलोंग्स टू नथिंग बट योर क्लास मैमिलिया हमारा ही क्लास है ये ठीक है मैमिलिया को बिलोंग करता है ठीक है समटाइम्स वी कॉल इट एज नथिंग बट स्पाइनी एंटीटर बोलते हैं ठीक है स्केली एंटीटर नॉट स्पाइनी स्केली एंटीटर बोलते हैं इसको क्योंकि ये खाता क्या है एंड टर्माइट्स ये सब खाता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है मैनिस पेंटाडेक्टाइला ठीक है तो मैमिलिया में भी बहुत सारे ऑर्डर होते हैं हम कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं वी बिलोंग टू प्राइमेटा ह्यूमन है ना हम प्राइमेटा को बिलोंग करते हैं तो ये वाला जो आपको है हाँ जी क्या हो गया हम फॉर दिन ह्यूमन बींग जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट एवरीथिंग या एब्सोल्युटली राइट यू आर करेक्ट बट यू नो वी कैन चेंज आवर सेल्फ एक एक करके ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं क्यों चेंज हूँ बाकी सारी दुनिया खा रहे हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरे अकेले चेंज होने से क्या हो जाएगा नहीं आपके अकेले चेंज होने से ही बहुत कुछ हो सकता है ना एक एक पर्सन से ही चेंज हो सकता है दैट वी ऑल नो द ओशन इज फॉर्म्ड ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर एक एक ड्रॉप से पूरा का पूरा आपका समंदर बना हुआ है तो हम लोग अपने में ही अगर चेंज लाएंगे ना तो पूरी दुनिया धीरे धीरे चेंज हो सकती है ना
चलो सो ऐसा है वो से ये जो मैनिस है ये एक मैमिलिया क्लास को तो बिलोंग करती है, बट मैमिलिया क्लास में भी बहुत सारे आपके ऑर्डर्स हैं, जैसे हम प्राइमेटा को बिलोंग करते हैं, ये किसको बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू द ऑर्डर, एक ऑर्डर है आपके क्लास मैमिलिया में, दैट इज कॉल्ड एज फोलीडोटा. ओके, फोलीडोटा. फोलीडोटा का मतलब ही है कि इनका जो स्किन है इट इज स्केली, दे हैव अ स्केली स्किन, है ना, स्केली स्किन. तो ये स्किन बना किस चीज से है, द स्किन इज मेड अप ऑफ नथिंग बट केराटिन प्रोटीन. ये पूरा केराटिन प्रोटीन है जो हमारे हेयर्स या नेल्स या कुछ एनिमल्स के हॉर्न्स या हूव्स में मिलता है. तो दिस स्केल इज नथिंग बट इज कंपोज्ड ऑफ केराटिन ओनली, है ना, केराटिन प्रोटीन से ही ये बने हैं, दिस वेरी थिंग. ओके, आपको अब लेफ्ट हैंड साइड पे एक पिक्चर दिख रहा है जहाँ पे बेबी मैनिस है, कैन यू सी, वो कॉइल कर लिया अपने आप को, ये उसका डिफेंस पोज है. जब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है किसी प्रेडेटर से तो वो जल्दी से ऐसे कॉइल हो जाता है. कॉइल होने से क्या होता है, इसका जो स्केल इतना थिक है कोई भी प्रेडेटर इसको खा नहीं सकता है, है ना, लाइक इट विल नीड अ यू नो अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीथ टू बाइट थ्रू द स्केल. ठीक है, बाइट थ्रू द स्केल. ओके, परफेक्ट. हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, अरे बाबा ये आपका एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज अ यू नो फन डे क्लास, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, थोड़ा देखते हैं दुनिया में क्या है वो देखना है. आज हम बाहर तो नहीं जा पा रहे और जाना भी नहीं चाहिए, तो चलो इसके थ्रू ही हम अपना थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा लेते हैं और एनिमल्स को देख लेते हैं जो हर एक कंट्रीज में मिलता है आपको, है ना. ओके, सो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये जो मैनिस है आपका यहाँ पे एंड ईटर है, तो देखो ये कितना फोर्सफुली अपने, उसके नेल्स बहुत लॉन्ग होते हैं. सो कैन यू सी द नेल हियर, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ. कैन यू सी द नेल्स हियर, ये देखो नेल्स कितने बड़े हैं, शार्प नेल्स है, इसके थ्रू वो पूरे जहाँ भी उसको एंड मिलता है, ट्री का बार्क हो गया या किसी घर का जो क्रेविस होता है ना, घर के क्रेविस में भी एंट्स टर्माइट्स ये सब मिलता है, तो इजीली उसको वो ब्रेक कर सकता है ना. देखो वो यही कर रहा है, कैन यू सी द मैनिस ब्रेकिंग थिंग्स, दिख रहा है आपको कैसे ब्रेक कर रहा है, पूरा का पूरा सीमेंट उखाड़ रहा है वो. ठीक है, और ये फिर अपनी उनकी लॉन्ग टंग होती है, द टंग इज क्वाइट यू नो लॉन्ग, एकदम लॉन्ग ऐसे पोट्रूबल प्रोट्रूसिव टंग होता है, इसके थ्रू वो क्या करते हैं, एंट्स को खा सकते हैं. तो जैसा कि मैंने बोला कि ये एंट्स एंड टर्माइट्स पे फीड करती है, ठीक है, एंट्स एंड टर्माइट्स पे फीड करती है. ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच, आई लव एनिमल्स पार्ग्यूनी, दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग वेरी हैप्पी, आई डोंट नो व्हाई बट आई डू लव ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट लिज़र्ड, आई डोंट हेट इट बट इट्स क्वाइट अगली, है ना, मतलब लाइक नॉट अगली बट इट्स टैकी, आई फील लाइक यू नो यू कैसा है, ऐसा होता है थोड़ा सा, तो ये ठीक है, सबको कुछ ना कुछ फोबिया होता है ना. चलो बढ़िया. ओके, नहीं नहीं, दे विल नॉट कम इन एम्स क्वेश्चन, डोंट वरी गाइस, दिस इज जस्ट, अरे खुश रहो, एंजॉय करो यार, दिन भर पढ़ते रहते हो, आज थोड़ा एंजॉयमेंट हो रहा है, उसमें भी तुमको लग रहा है कि मैम ये क्वेश्चन आएगा, ये नीट के लिए पढ़ना है, ये एम्स के लिए पढ़ना है, क्यों बाबा, एंजॉय करो, है ना. मैं आपको, मैं खुद टीचर होके ऐसे एंजॉय करवा रही हूँ आपको, देखो, है ना, संडे है, एंजॉय करो यार, अभी अभी पढ़ के आयो, फिर पढ़ने जाओगे, एक और वीडियो आपका चलेगा थ्रू आउट द डे, नीट वॉयज में आपका चलता रहता है ना, कुछ ना कुछ लेक्चर्स जो एजुकेशनल, ऑब्वियसली एजुकेशनल होते हैं, तो आज थोड़ा फन कर लेते हैं हम जूलॉजी में. ठीक है, ओके, परफेक्ट. ना नहीं, एंट्स इनको बाइट, दे आर बाइट करती भी है, तो इनका जो टंग है दैट्स क्वाइट थिक, सो दे आर यू नो व्हाट यू से, इम्यून टू एंट बाइट्स, इम्यून टू एंट बाइट्स. ओके, तो ये आपका पैंगोलिन है, ये पैंगोलिन आपके मिलता कहाँ पे, ऑब्वियसली दे आर फाउंड इन नथिंग बट एशिया, है ना, तो एशिया में ही ज़्यादा इसकी एनिमल ट्राफिकिंग होती है. मैंने जैसे कि बोला कि दे आर प्रोन टू एनिमल ट्राफिकिंग, क्यों, एनिमल ट्राफिक ड्यू टू ट्राफिक ड्यू टू द बेनिफिशियल यूज ऑफ इट्स स्केल एंड मीट भी इसका खाते हैं. ठीक है, एशिया में मिलता है, फिर आपकी सब सहारन रीजन ऑफ अफ्रीका में भी ये मिलते हैं. सो ये जो उनका स्केल है ना, ये प्रोटेक्ट करती है हार्श नेचर, जो नेचर है ना, ऑब्वियसली अफ्रीका का, सब सहारन रीजन ऑफ अफ्रीका. ओके, परफेक्ट. ओके, परफेक्ट. हाँ जी, यस, इट इज़ बिलीव्ड कि जो ये पैंगोलिन है ये कोरोना का कैरियर है, प्राइमरी कैरियर है ये. ठीक है, प्राइमरी एनिमल ये है, इसने कहीं से लाया था. ठीक है, यूजुअली जो हम सार्स और मर्स पढ़ते हैं ना, सार्स एंड मर्स भी आपकी कोरोना की एक और सब स्पीशीज जो है, राइट. सो उससे बोला जाता है कि देवैदिक कैरियर इन्होंने ही लाया था, ऐसे लाइक इट इज़ नॉट येट प्रूव बट इट इज़ बिलीव कि दे ब्रॉट इट. और ये प्राइमरी ऑर्गेनिज्म थी, इसने किसी सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म को दिया, जैसे कैमल्स हो गया या बैट हो गया, दीज आर सेकेंडरी कैरियर से फिर हमारे पास आया.
ठीक है, तो इसी वजह से आया, बिकॉज वी यू नो एक्सप्लॉइट दिस एनिमल्स अ लॉट, वी ईट देम. व्हाई डू यू वांट टू ईट इट? कितना कुछ है खाने के लिए, भगवान ने कितना कुछ बनाया है इस दुनिया में खाने के लिए, खाओ ना यार. हम लोग लाइक इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन इट्स फाइन, हमारे पास क्या कुछ है, लाइक यू नो पोल्ट्रीज है, हम खुद एनिमल्स को रेयर करते हैं वहाँ पे खाने के लिए, तो ठीक है ना, मिल रहा है ना तुमको नॉन वेज, फिर इनको खाने की क्या जरूरत है बेचारों को, दे आर सो क्यूट एंड दे आर एंडेंजर्ड स्पीशीज, सबसे मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये, बहुत ही वल्नरेबल स्पीशीज, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू आवर एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, परफेक्ट. शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनिमल, नेक्स्ट वाला एनिमल देखे हम लोग, ठीक है, ओके परफेक्ट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एनिमल एंड हियर वी गो, सो वी हैव एक्सोलॉटल लार्वा हियर. सो ये हमारे पास है एक्सोलॉटल, इट्स लुक, इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज नथिंग बट वाटर पपीज, है ना, वाटर पपीज, क्योंकि देखो कैसे दिख रहे हो, पपीज जैसे नहीं दिख रहे, बहुत क्यूट से होते हैं. ओके फाइन, लेकिन ये है क्या एक्चुअली, क्या ये लार्वा है या एडल्ट एनिमल है? ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग बट अ नियोटिनिक, नियोटिनिक टाइगर सैलामेंडर, नियोटिनिक टाइगर सैलामेंडर. ओके परफेक्ट. सो टाइगर सैलामेंडर इसका एडल्ट फॉर्म है, ठीक है, टाइगर सैलामेंडर जो है इसका एडल्ट फॉर्म है. ओके तो उसमें क्या होता है, जब भी इसकी लार्वा होती है, सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू हियर, एम्बिस्टोमा जो है, एम्बिस्टोमा एडल्ट, दैट इज अ टाइगर सैलामेंडर का साइंटिफिक नेम है ये एम्बिस्टोमा, ठीक है, टाइगर सैलामेंडर, जस्ट अ सेकेंड. ओके तो ये जो एम्बिस्टोमा है, जब ये ऑब्वियसली एम्फीबिया है, तो इसका जो लार्वा है, द लार्वा इज कॉल्ड एज एक्सोलॉटल, ठीक है, एक्सोलॉटल जो ऊपर हमने अभी देखा, ठीक है. अब ये एक्सोलॉटल लार्वा समटाइम्स इट अंडरगोज नियोटिनी, अंडरगोज नियोटिनी. तो नियोटिनी क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ एनसीईआरटी के ये पूछा जाता है, अंडरगो नियोटिनी. अब ये नियोटिनी क्या होता है, नियोटिनी का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स, एक्सटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स, ठीक है. वो लार्वा हमेशा लार्वा ही रह जाता है, उसकी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है. मेटामॉर्फोसिस क्या है, एग, एग से लार्वा, और लार्वा से फिर आपका एडल्ट, है ना, ये मेटामॉर्फोसिस उसकी कंप्लीट ही नहीं होती है, वो रुकी रहती है. तो इसमें देखो क्या एक्सटेंशन, कैसे एक्सटेंशन कैरेक्टर्स हो रहे हैं, देखो कैन यू सी द गिल्स, सैलामेंडर में ये एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट नहीं होते, दिस इज नथिंग बट द एक्सटर्नल गिल्स. सैलामेंडर्स में ये एक्सटर्नल गिल्स नहीं होते एडल्ट में, वो अंदर से गिल्स हो जाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल गिल अपेंडेजेस, ठीक है, अपेंडेजेस, तो ये एक प्रेजेंट है. ओके उसके अलावा एकदम लाइक टेल भी प्रेजेंट है, सो दीज आर ऑल लार्वल कैरेक्टर्स. ये क्यों होता है, क्यों ये लोग सारे के सारे एम्बिस्टोमा एक्सोलॉटल रहते हैं क्या? डू यू सी ऑल ऑफ देम इन एक्सोलॉटल, क्या आपको दिखता है? नहीं दिखता है, राइट. क्या होता है, हाँ जी आजकल, ओके राहुल लेट हो गया, कोई बात नहीं, गुड आफ्टरनून राहुल, नो प्रॉब्लम. नाउ एज आई वाज सेइंग कि ऐसा क्यों होता है, आप ये एक्सपेरिमेंट यूजुअली हम लोग फ्रॉग के साथ भी कर सकते हैं. क्या देखा गया कि फ्रॉग का एक टैडपोल ले लो आप, ठीक है, कुछ टैडपोल्स को आप ए वाले चेंबर में रखो, कुछ को आप बी वाले चेंबर में रखो, तो यहाँ पे आपके सारे टैडपोल्स हैं. ओके टैडपोल्स हैं, ये सपोज आपके सारे टैडपोल्स हैं. ओके तो इसमें भी आपने टैडपोल्स रखा. अब ए वाले चेंबर में जो आपने वाटर फिल किया हुआ है, ऑब्वियसली देयर टैडपोल, उनको वाटर मीडियम में रखना है, तो आपने ए वाले में क्या किया, आपने इसमें आयोडीन डाला हुआ है, अच्छे कॉन्सेंट्रेशन में आयोडीन डाला हुआ है, इसमें नो आयोडीन, कोई आयोडीन आपने डाला नहीं है. तो आप कुछ दिनों बाद क्या देखोगे कि जो ए वाला था ना, ये लोग फ्रॉग बन गए और ये लोग लार्वा के लार्वा ही रह गए. तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ये लार्वा लार्वा ही रह जाता है, नियोटिनी शो करता है, एक्सटेंशन ऑफ द लार्वल कैरेक्टर्स. क्यों? क्योंकि ये जो मेटामॉर्फोसिस आपको दिख रही है ना, एग से लार्वा, लार्वा से एडल्ट, ये है आपका मेटामॉर्फोसिस. और मेटामॉर्फोसिस के लिए इनको एक हार्मोन की जरूरत होती है, ठीक है, कौन सी हार्मोन है, दैट इज नथिंग बट T3 एंड T4. T3 एंड T4 पता है ना, हमारे में भी वो होता है, इनका भी T3 एंड T4 रिलीज होता है, बट हमारे में T3 T4 क्या करता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन, राइट, ये क्या करता है, हमारी BMR रेगुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट. इनमें क्या कर रहा है T3 एंड T4, इनमें नथिंग बट इनकी मेटामॉर्फोसिस को चेक कर रही है. और देखो नाम क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, मतलब इस हॉर्मोन को बनने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड आयोडीन, राइट, आयोडीन चाहिए. आयोडीन ही नहीं है तो ये हार्मोन बनेगा, ये दोनों हार्मोन नहीं बनेगा, तो मेटामॉर्फोसिस हुआ, नहीं हुआ.
ठीक है, तो सारे के सारे लार्वा ऐसे नहीं रहते, कुछ में जहां पे सपोज कोई एक लार्वा आयोडीन डेफिशिएंट वाटर या पॉन्ड में है उसके साथ ये होता है, ठीक है, तो वो आपकी नियोटिनिक ही रह जाती है। और ये एक्सोलॉटल जो ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, मतलब बेबी गिविंग बर्थ टू अ बेबी, लार्वा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह सब डेवलप हो गई है, लेकिन उनकी कैरेक्टर्स नहीं गई, जो लार्वा के पास जो कैरेक्टर था ये एक्सटर्नल गिल्स वगैरह ये सब नहीं गई उनकी, ठीक है, परफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन हियर, सो ये आपका वही एक्सोलॉटल है, मैंने कुछ फनी वीडियोस ऐसे ऐड किया, यू कैन सी द एक्सटर्नल गिल्स, ये एक्सटर्नल गिल्स दिख रहे हैं आपको, अपेंडिजेस टाइप ऑफ जो है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, ओके, जस्ट लेट मी जस्ट ब्लॉक दिस गाय, एक मिनट, ओके ओके, हियर वी गो, डन, ओके। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट एनिमल पढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट वाला एनिमल देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, एंड हियर वी गो, नेक्स्ट एनिमल है आपका गॉबलिन शार्क, नेक्स्ट एनिमल इज योर गॉबलिन शार्क। तो इसको गॉबलिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी, इट लुक्स लाइक अ गॉबलिन, है ना, गॉबलिन जो होता है इट्स नथिंग बट अ यू नो लाइक व्हाट यू से थीव्स या कार्टून कैरेक्टर है ऑब्वियसली, ठीक है, सो दिस इज योर गॉबलिन शार्क। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, मित्सुक्यूरिना ऑस्टोनी, मित्सुक्यूरिना ऑस्टोनी, राइट। नाउ ये गॉबलिन शार्क है क्या, ऑब्वियसली हमने इसको शार्क बोला है, मतलब इट इज अ कॉन्ड्रिक्थाइस, ये क्या है आपकी कॉन्ड्रिक्थाइस है, कॉन्ड्रिक्थाइस क्या होते हैं बेटा, कॉन्ड्रिक्थाइस आपके कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं, दीज आर ऑल कार्टिलेजिनस फिशेस, है ना, ओके। नाउ ये कार्टिलेजिनस फिश है, मतलब इसकी एंडोस्केलेटन किस चीज से बनी हुई है, एंडोस्केलेटन इज कम्पोज ऑफ नथिंग बट योर कार्टिलेजेस, बोनी नहीं है, ठीक है, ओके परफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन हियर, नाउ ये आपकी जो गॉबलिन शार्क है इसका ये जो आपने स्नाउट देखा, कैन यू सी द स्नाउट, दिस इज कॉल्ड एज द स्नाउट, उनकी लॉन्ग स्नाउट है एक फ्रंट पार्ट, और ऑब्वियसली वेंट्रल माउथ है, उसमें आपको टीथ वगैरह भी दिख रहे हैं, दिस टीथ आर नथिंग बट ये ऑब्वियसली बोनी नहीं है, दे आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्किल्स, जो आपकी सारी की सारी शार्क्स में आप यूजुअली देखते हो, राइट, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्किल्स। ये वेंट्रल लोकेशन है उसकी, वेंट्रली इट लुक्स लाइक दिस, है ना, ये लैटरल पोजिशन है, साइड से ऐसा दिखता है। तो ये जो स्नाउट है ना, स्नाउट के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ छोटे छोटे कुछ ऐसे लाइक यू नो टॉप पोजीशन में, वेंट्रल पोजीशन में नहीं, ऊपर वाले पोजीशन में, सपोज ये उनका स्नाउट है और इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस पोर्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी, जो आपके शार्क में भी होता है, राइट, एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी, ओके परफेक्ट। सो इस पर्टिकुलर, हाँ जी अभिनव, इसको भी खाते हैं लोगों का क्या है, कुछ भी खा लेते हैं, आपको पता ही है ना, कितने दुनिया में अलग अलग क्विजीन है, एकदम ऐसे व्हाट यू से डिस्गस्टिंग क्विजींस भी है, जिसको नहीं क्यों जरूरत है, इतना कुछ है दुनिया में खाने के लिए, बट क्यों इन बेचारों को मारना है। एंड ऑब्वियसली आपके डीप सी में मिलते हैं, है ना, दे आर डीप सी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डीप सी लेवल में मिलते हैं आपके सारे, ओके परफेक्ट। नाउ एज आई वाज सेइंग, ये जो आपकी गॉबलिन शार्क है, इसको हम लोग कभी कभी लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है कि दे हैवंट अंडरगॉन एनी इवोल्यूशनरी चेंजेस। कोई एनिमल जब पहली बार आया था, हाँ जी मैं बता रही हूँ, अनमोल फंक्शन क्या है एम्प्यूला का, आई टेल यू व्हाट इज द फंक्शन, ये आपके कार्टिलेजिनस फिश में भी आप पढ़ोगे और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, एम्प्यूलर फ्लोरेंसिनी, इसीलिए मैंने ये लिया, आपको नॉलेज भी मिल रहा है और एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, ठीक है। सो एज आई वॉज सेइंग, ये जो गॉबलिन शार्क है ये लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म सपोज पहली बार दुनिया में आया हो और उसके बाद से वो वैसे का वैसा ही है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो वैसे का वैसा ही है, उसने चेंज, कोई इवोल्यूशनरी चेंज हुआ ही नहीं है। ह्यूमंस में ऑब्वियसली इवोल्यूशनरी चेंजेस हुआ है ना, हम लोग प्राइमेट से धीरे धीरे, लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्राइव ट्री श्रूज से हम लोग आए हैं, फिर लीमर्स, फिर आपकी ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सब हमने पढ़ा है, राइट, तो हमारी इवोल्यूशनरी चेंजेस हुई है, इनकी नहीं हुई है। सेम एज दैट ऑफ योर हॉर्स शू क्रैब हमने पढ़ा था ना, लिम्यूलस, उसका भी कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं हुआ है, ओके। तो ये एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी के बारे में मैं बता देती हूँ, व्हाट इज एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी, तो मैं जो बता रही थी कि इनका जो स्नाउट है इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे पोर्स प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी। ये क्या करता है, इट्स अ सेंसरी ऑर्गन, ये क्या करता है, इट चेक्स the physical vibrations on water, okay, on water body, ठीक है, water body में कोई भी अगर physical vibration, electrical field वगैरह को वो detect करता है, इससे उसको पता चलता है कि सामने कोई prey है, मुझे खाना है, ठीक है, या predator है तो वो भाग सकते हैं, तो ये vibrations को detect करते हैं, किस तरह का, checks, या फिर हम detect भी बोल सकते, we can also
राइट डिटेक्ट्स, ठीक है। तो ये जैसे ही वो देख लेती है कि ऑब्वियसली कोई प्रे है, तो वो क्या करती है, फिर ये वाला काम करती है, ठीक है। ये देखो जैसे वो खा रही है, कैन यू सी द स्नाउट, स्नाउट प्रोट्रूड आउट हो रहा है ना, उसकी माउथ प्रोट्रूड आउट हो रही है और वो खाना लेके अंदर चला जाता है, ठीक है। परफेक्ट, वंडरफुल। मूविंग ऑन हियर एंड हियर वी गो, लेट्स सी। सो दिस इज अबाउट योर गॉब्लिन शार्क। नेक्स्ट आता है आपका फूसा। फूसा आपने बहुत लोगों ने, एक मूवी है, हैव यू सीन द मूवी मैडागास्कर? मैडागास्कर एक मूवी है ना, मैडागास्कर एस्केप टू अफ्रीका, बहुत सारे पार्ट्स है राइट, जिसमें आपका वो देयर वाज अ लायन, देयर वाज अ जिराफ एंड अ हिप्पोपोटामस एंड अ ज़ेब्रा, राइट। ये चार एनिमल्स दोस्त होते हैं, वो लोग न्यूयॉर्क जू में रहते हैं, फिर वो लोग बाद में अफ्रीका पहुंच जाते हैं जू से एस्केप होके, राइट। तो उस पर्टिकुलर मूवी में ये फूसा को दिखाया गया था। तो ये फूसा ऑब्वियसली मैडागास्कर में ही मिलती है, ठीक है। सो दे आर नेटिव टू नथिंग बट मैडागास्कर, ओके, मैडागास्कर, ओके, परफेक्ट। सो ये क्या है, इट लुक्स लाइक अ कैट, है ना, इसका कैट लाइक फीचर दिख रहा है आपको, कैन यू सी द कैट लाइक फीचर हियर, ठीक है। सो कैट लाइक फीचर तो है, बट इट बिलोंग्स टू मोंगूज फैमिली। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्रिप्टोप्रोक्टा फिरॉक्स, राइट। सो इट बिलोंग्स टू, एज आई सेड, इट बिलोंग्स टू योर मोंगूज फैमिली, ठीक है। एंड दे आर ऑब्वियसली कार्निवोरस एंड वेरी प्रेडेटरी, बहुत ही ज्यादा बड़े वाले प्रेडेटर है। और ये खाते क्या है, ये बेचारे लीमर्स को खाते। कैन यू सी किंग जूलियन देयर, आई लाइक टू मूव इट वाला, जो किंग जूलियन था, इट वाज अ फेमस कैरेक्टर इन मैडागास्कर। सो दिस इज, दिस गाय इज किंग जूलियन, सो इट्स, ही इज अ लीमर, है ना। लीमर भी आपका मैमल है, ये सारे के सारे आपके मैमल ही है। दिस फूसा इज ऑल्सो अ मैमल, ठीक है। बट इट लुक्स, इट हैज कैट लाइक फीचर, बट इट बिलोंग्स टू द फैमिली, विच फैमिली, मोंगूज फैमिली, ठीक है। एज आई सेड दैट दे आर प्रेडेटरी, तो ये सारे के सारे प्रेडेटरी है, और ये खाते हैं किसको, लीमर्स और अदर प्राइमेट्स, जो छोटे छोटे प्राइमेट्स जो आपके मिलते हैं मैडागास्कर में, उनको खाते हैं, ठीक है, परफेक्ट। हाँ जी, हाँ क्या बेटा, इकोलॉजी, बेटा इकोलॉजी आपकी बॉटनी मैम पढ़ाएंगी, ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगी, ओके, इकोलॉजी में मैम पढ़ाएंगी, चलो कोई बात नहीं। मोंगूस, मोंगूस नहीं पता, आई डोंट नो हिंदी में मोंगूस को क्या बोलते हैं, जो सांप को के साथ लड़ता है ना, आई डोंट नो द हिंदी नेम ऑफ, आई थिंक उसको क्या बोलते हैं यार, मुझे नहीं पता हिंदी नेम, बट इंग्लिश नेम है मोंगूस, राइट। आप एक बार जाके गूगल में सर्च कर लो, आपको हिंदी नेम मिल जाएगा। आई एम सो सॉरी, मुझे हिंदी नेम नहीं आते हैं बहुत सारी चीज़ों के, ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल। यस, नेवला, राइट, अनमोल ने लिखा है नेवला, इट इज कॉल्ड एज नेवला, आई एम सो सॉरी, आई एम सो पुअर इन हिंदी, एनीवे, ओके, परफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन हियर, दिस इज अबाउट योर फूसा। सो एज आई सेड, ये आपका फेमस कैरेक्टर है, यू कैन गो एंड वॉच द मूवी मैडागास्कर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी मत वॉच करो, जब आपको टाइम मिलेगा तब देखो, ठीक है, परफेक्ट। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट एनिमल हियर इज पैंडा एंट। बहुत ही क्यूट सा है पैंडा एंट, क्यों बोलते हैं इसको, देखो इसका पैंडा लाइक पैटर्न है ना, वाइट एंड ब्लैक एक्सेप्ट द आईज, है ना, आईज को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी में वाइट एंड ब्लैक और फरी है। सो इट लुक्स लाइक एज इफ इट्स अ पैंडा, है ना, लेकिन ये एंट नहीं है, इट इज नॉट एन एंट, बस इसका मिसनोमर, बिकॉज ये एंट जैसा दिख रहा है, ये ऐसे कैमोफ्लाज करता है अपने आप को, ठीक है। सो इट इज नॉट एन एंट, तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट अ वैस्प, वैस्प पता है ना, एंड इट इज विंगलेस, विंगलेस, वैस्प का मोस्टली विंग्स प्रेजेंट होता है, बट इसमें विंग्स प्रेजेंट नहीं है, सो दे आर विंगलेस वैस्प, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है, यू स्पाइनोलिया मिलिटारिस, ओके, मिलिटरीज क्यों बोलते हैं, ऑब्वियसली दे लिव इन अ कॉलोनी, एक साथ रहते हैं, मिलिटरी की तरह फॉलो करते हैं एक दूसरे को, है ना, लाइन में आपने देखा होगा, ठीक है, परफेक्ट। हाँ जी, ओके, हाँ जी, बिल्कुल, दे यूजुअली नेवला, दे यूजुअली ईट ऑन लाइक मोंगूस एंड स्नेक की स्टोरीज बहुत फेमस है गाइस, है ना, आपको पता होगा। सो एज आई वाज सेइंग, इट लुक्स लाइक अ पैंडा, एज यू कैन सी, आपकी वाइट एंड ब्लैक पैटर्न होती है उनकी भी बॉडी में, ठीक है, और ये आपकी एंट नहीं है, इट्स अ मिसनॉमर, बिकॉज दे रिजेंबल एन एंट, इट इज एक्चुअली योर नथिंग बट अ वैस्प, योर विंगलेस वैस्प। ये मिलता कहाँ पे है, चिलियन फॉरेस्ट में। चिलियन फॉरेस्ट क्या है आपकी, चिली, चिली इज नथिंग बट अ रीजन हियर, सो चिली के फॉरेस्ट में ये मिलता है, ठीक है, चिली के फॉरेस्ट में मिलता है, दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस चिली, ओके, परफेक्ट, नाइस। तो ये समझ में आ रहा है, और ये खाते क्या है, ये है तो एंड, सॉरी वैस्प, और ये खाते क्या है, दे मोस्टली दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन लार्वे, बड़े बड़े जो लार्वे होते हैं ना अदर इंसेक्ट के, ठीक है, उनके लार्वे को ये फीड करते हैं मोस्टली, ठीक है, सो आई कैन, आई जस्ट राइट इट हियर, सो दे फीड ऑन, और यू कैन बेटर यूज द वर्ड, दे आर एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स ऑन लार्वे, ओके, ऑन लार्वे, ठीक है, परफेक्ट, ओके, हाँ जी, हाँ जी, अमेरिका, यस, राइट, एब्सोल्युटली राइट, ओके,
Now moving on next year. Now here we go. The last animal. I think this is the last animal here. We have leafy sea dragon. This is one of the beautiful and I do love aquatic animals. इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा last but not the least में रखा है. ठीक है. Leafy dragon, sea dragon बोलते हैं इसको. Leafy sea dragon क्यों बोल रहे हैं? As you can see the structure here, it looks like as if ये floating seaweed है. है ना, floating seaweed है और looks like a dragon. इसकी dragon like features है. Scientific name क्या है? Phycodurus icus. इकस क्यों बोल रहे? इकस हम तभी बोलते जब वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सी हॉर्स. हॉर्स का यूजुअली नेम आपका साइंटिफिक नेम जो होता है लैटिन में, दैट इज इकस. ओके, तो इट्स अ सी हॉर्स. सी हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या है? मोस्टली हिप्पोकैम्पस. तो ये भी आपके हिप्पोकैम्पस ही है बट दूसरी स्पीशीज है. हिप्पोकैम्पस किसको बिलोंग करता है? कौन सा फिश है? ये बोनी फिश है या कार्टिलेजिनस फिश है? ये बोनी फिश है. बोनी फिश को हम क्या बोलते हैं? कौन से क्लास को बिलोंग करता है? ऑस्टिकथाइस. राइट, सो दिस इज एन ऑस्टिकथाइस. Okay, yes, it is nothing but a seahorse here. Okay, perfect, wonderful. Hanji, samajh mein aa raha hai? Okay, wonderful. Obviously not Arshit. I don't know what happened to you guys. Hum fun day kar rahe hain aur aapko question ki padhi hai, ye aayega wo aayega. This is a fun day. We are enjoying ourselves ki hum logo ne itna padhai kiya itne dinon se, thoda sa relaxation to banta hai, right? Okay, तो ये जो leafy sea dragon है ये मिलता कहाँ पे है? Mostly they are found in nothing but ऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न कोस्ट. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न कोस्ट में ये लोग मिलते हैं मोस्टली. और इट यूजुअली दे रिजेंबल्स लीफी फ्लोटिंग सीवीड. तो ये भी उनकी एक तरह की कैमोफ्लाजी है. फ्लोटिंग सीवीड. तो यूजुअली जो प्रिडेटर है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं. वो सोचते हैं मे बी दिस इज नथिंग बट अ सीवीड, तो वो खाते नहीं है उसको. ठीक है, तो इस तरह से वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट अ वे ऑफ कैमोफ्लेज. ठीक है, तो ऐसे वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकती है. ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल. ओके, शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट हियर? ओके, एंड हियर वी गो, द लास्ट एनिमल, एंड दैट इज योर आई आई. ओके, सो वी नो आई आई इज मोस्टली इट्स अ नेम ऑफ द एनिमल, बट आई आई इज ऑल्सो अ फ्रेज समटाइम यूज बाई नेवी पीपल. है ना, नेवी में या जो पायरेट्स, आपने देखा होगा पायरेट्स की मूवीज एंड ऑल, तो वहाँ पे वो लोग ये पर्टिकुलर फ्रेज यूज करते हैं, आई आई कैप्टन. तो आई आई का मतलब क्या होता है? येस आई ओबे, आई गॉट योर मैसेज एंड ओबेड. ठीक है, येस सर, जो येस सर वगैरह होते हैं वो नेवी में यूजली दे सेड आई आई कैप्टन. ओके, तो ये आपका जो आई आई है, दिस इज नथिंग बट अ मैमल. ये एक मैमल है. ठीक है, और इसकी साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है डाउबेंटोनिया मैडागास्करेंसिस. ओके, डाउबेंटोनिया मैडागास्करेंसिस, एंड दैट इज नथिंग बट ऑब्वियसली ये मिलता कहाँ पे? मैडागास्कर में मिलता है. तो ये भी एक तरह का प्राइमेट है, मैडागास्कर में मिलता है वो. ना इसकी स्पेशलिटी क्या है? ओके, परफेक्ट. इसकी स्पेशलिटी क्या है? देखो, ये बहुत ही अजीब सा एक एनिमल है. ठीक है, इसकी जो मिडिल फिंगर होती है, कैन यू सी द मिडिल फिंगर हियर? देखो यहाँ पे मैंने दिखाया, द मिडिल फिंगर इज अ स्पाइनी लॉन्ग स्पाइनस मिडिल फिंगर. ओके, लॉन्ग स्पाइनस मिडिल फिंगर. तो इस मिडिल फिंगर से ये क्या करता है? यूजुअली ये कोई भी लाइक इट वर्क्स लाइक अ वुड पेकर. वुड पेकर आपको पता है ना, वुड पेकर क्या करता है? वो वुड में होल बना के फिर उसके अंदर जो लार्वे ग्रब्स या इंसेक्ट है उसको खाता है. तो ये भी वही करता है, ये होल बनाता है फिर उस फिंगर से वो यूजुअली स्पाइनस है ना, वो अंदर की जो ग्रब वगैरह होती है, कैन यू सी, उसने वो ग्रब को निकाला और वो खा गया. सो इट गेट द टेस्टी ट्रीट्स लाइक दिस. ठीक है, मिडिल फिंगर से. परफेक्ट, वंडरफुल. ओके, हाँ जी बिल्कुल, क्लास हो रहा है आज, है आपका 5 बजे डाउट क्लास है बायोमोलिक्यूल्स का. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर व्हाट यू से आई आई. एज आई सेड, इट इज फाउंड इन योर मैडागास्कर एंड इट हैज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग मिडिल फिंगर, स्पाइनस लॉन्ग मिडिल फिंगर. उसके थ्रू वो ट्रीज के बार्क में होल्स के थ्रू वो अपने टेस्टी ट्रीट्स को खा लेता है. ठीक है, दिस इज हाउ इट ब्रिंग्स अ लार्वा आउट एंड ईट इट. ओके, परफेक्ट, वंडरफुल. सो दीज आर सम ऑफ द यूनिक एनिमल दैट आई हैड टूडे. ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. दिस आउट ऑफ क्यूरोसिटी, थोड़ा कभी कभी अच्छा लगता है फंडे करने के लिए. और प्लस ये नॉलेजेबल भी है ना. आपको आज नियोटिनी के बारे में पता चला, राइट? ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको भी समझाई, क्लासिफिकेशन मैंने दिखाए है ना, कार्टिलेजिनस फिशेज, बोनी फिशेज. तो ये नॉलेजेबल भी है, प्लस थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी है, राइट? ओके, आई होप यू गॉट, गाइस गॉट इट. ओके, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू हैव एंजॉयड दिस. ऐसे हम आगे भी बहुत सारा फन क्लास करेंगे. आई ब्रिंग सम न्यू टॉपिक, नॉट ओनली ऑलवेज ऑन एनिमल्स, आई ब्रिंग समथिंग एल्स एज वेल, है ना? तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे. एक घंटे का थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है, एक फनी वीडियो जैसा हो जाता है ना? तो आपका फिर ब्रेन, यू नो, इट विल प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एंडोर्फिन, यू विल फील सो हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, एंड देन यू कैन गो एंड वॉच अदर
लेक्चर वीडियोस, ठीक है, तो ये अच्छा होता है, ठीक है, परफेक्ट, हाँ जी, वंडरफुल, ओके, थैंक यू आलोक, थैंक यू. सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस. सो जाने से पहले मैंने आपको बताया था आज आपका डाउट क्लास है स्पेशल ऐप क्लास में, तो आप वहाँ पे आ सकते हो स्पेशल क्लास में. डाउट कौन से चैप्टर का है, बायोमोलिक्यूल्स पे है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो वहाँ पे आके, ठीक है. और उस पे आने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप सिंपल गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए. उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, है ना, एक आपका प्लस आ जाता है, फिर आपकी फ्री कोर्सेस आ जाती है, फिर आपकी स्पेशल क्लासेस आ जाती है, राइट, ओके. फ्री कोर्स एंड स्पेशल क्लासेस एज वी ऑल नो इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड प्लस जो है आपका, प्लस के लिए आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बहुत ही अफोर्डेबल है, तो आप प्लस पे क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन नीट यूजी एंड देन गेट द सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, 1 to 6 months का एक ऑप्शन होगा आपका, अगर आप सॉरी 1 month, 3 month and 6 months का, अगर आप इस साल नीट 2020 के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो तो आप ये तीन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है. अगर आप इस एक साल का आपने ड्रॉप लिया है या मे बी आप 12th में हो, नेक्स्ट ईयर आप अपीयर करने वाले हो, देन यू कैन टेक दिस 2500 पर मंथ वाला, है ना, ओके. इसका टोटल हो जाता है 2700, 12 मंथ्स का पूरा, ठीक है. और अगर आप 11th में हो और आप 2 साल बाद अपीयर करने वाले हो, तो ये वाला सबसे सूटेबल होता है 1500 पर मंथ. ये बहुत ही कम है, टोटल करें तो आप देख सकते हो 24 मंथ का जस्ट 32,400. इससे भी आपका 10% ऑफ हो जाएगा पूरे टोटल अमाउंट से, अगर आपने जो मेरा नाम है दैट इज SWAGATA स्वागता, इसको एज अ कोड अगर आपने अप्लाई किया, सो यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ 32,400 में से भी, ठीक है. तो ये बहुत ही सूटेबल है, हाँ जी. मानसवी, द रेगुलर टाइमिंग फॉर डिफरेंट बैचेस आर डिफरेंट. जैसे नीट टारगेट 2020 का आपका यूजुअली 3 बजे से होता है ना, नीट टारगेट 2020 का, उसके संडे को वो नहीं होएगा आपका, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, हमारा फन फ्राइडे होता है या ड्यू ट्यू फ्राइडे होता है, उसमें डिफरेंट होती है, मैराथन होता है. फिर आपकी नीट 2021 या 2022 के लिए आई कम ड्यूरिंग 7 to 8, है ना, दोनों 11th और 12th दोनों टारगेट के लिए आई कम एट 7 to 8 इवनिंग PM, ठीक है. उसके अलावा स्पेशल क्लासेस भी चलती है, मेंटी भी होता है, तो बेटा कल मेंटी है आपका, इस बार फ्राइडे को आपकी सॉरी थर्सडे को मेंटी नहीं हो पाया था क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था वेबसाइट, अभी वो ठीक हो गया है आपका, कल से ही काम करना शुरू कर दिया, तो हमारा मंडे को हम लोग फिर मेंटी करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंटायर चैप्टर, ठीक है, परफेक्ट, ओके. नाउ मूविंग ऑन, सो दिस इज अबाउट योर द इंट्रोडक्शन पार्ट, और हमने सारा देख लिया यूनिक एनिमल्स के बारे में, एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लास टुडे. And I hope you have enjoyed this. You have gained some extra knowledge. And please, please be, you know, protective towards animals. Okay? And stay safe. Take care. I'll see you in special class at 5 o'clock.